Look, I just got the letter on Friday, and I didn't know how to tell you. I'm really happy for you. Okay. Let's go have some fun. What's up guys, good morning, another day, another episode from Namaste Goa series and abhi subah ke 7 baje hue hain. Although I'm ready because I have to go out. So today we are going for Butterfly Beach and Honeymoon Beach boat ride from Patnem Beach. और इसकी पूरी डिटेल्स मैं तुम्हें अभी आगे चलते चलते साथ साथ बताऊंगी. बट जस्ट नो दैट दिस प्लेस इज क्रेजी अमेजिंग एंड काइंड ऑफ नॉट अ वेरी पॉपुलर लोकेशन हेयर इन गोवा. सो लेट्स गो. आई जस्ट रीच्ड पातनेम बीच बाय स्कूटी एंड जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ वहाँ से पातनेम बीच इज़ लाइक 25 मिनट्स ऑफ राइड. यहाँ स्कूटी पार्किंग का स्पेस आपको बहुत आराम से मिल जाएगा एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. कार पार्किंग का स्पेस भी थोड़ा सा पीछे जाकर है एंड इट्स पेड पार्किंग. ऑल्सो अभी सुबह के 8 बजे एंड यू कैन सी लाइक फ्यू पीपल टेकिंग अ डिप इन द सी. एंड यहाँ पर काफ़ी सारे शैक्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप. सो दीज आर द बोट्स दैट आर गोइंग टू बटरफ्लाई बीच. We booked the ride for ourselves yesterday evening itself because यहाँ से बहुत ही limited boats निकलती हैं. So we wanted to book our seat. And यहाँ पर सामने you can see there is this Namaste cafe. वहाँ से हमने book करा ली थी. ये रहे हमारे अंकल, इनसे हमने book कराई थी. वही जाएंगे? उसी के अंदर का दो दाल दो कैसे जाएगा? हाँ तो ठीक है, बोल दो ना फिर उनको. आगे जाके अगोंडा ये सब एक ही रो में है एंड सेंटर में कहीं पर बटरफ्लाई बीच है. पालोलेम बीच से यू कैन ऑल्सो टेक द सेम राइड एंड डू कायाकिंग एंड ऑल दैट. बट दैट्स लिटिल कॉस्टली एंड इट्स ऑलमोस्ट डबल द प्राइस दैट यू गेट इन पातनेम. आई जस्ट केम हियर एट पालोलेम बीच एंड आई वॉन्टेड टू गो फॉर बटरफ्लाई बीच एंड हनीमून बीच. उसके लिए यहाँ से बोट राइड होती है बट दे आर आस्किंग लाइक literally a lot, so they are asking for like 1000 per person, which is not worth to be very honest. This one you see is the monkey island, although ab yahan par koi monkey mere ko nazar nahi aa raha, but yes you can actually spot monkeys here. So in this particular tour this is the first spot. There you see is butterfly beach. Pehle hum yahan par rukenge 15-20 minute ke liye. Ek bahut hi chhota sa beach hai, yahan par aap हाइक करके भी आ सकते हो. ये वाली सारी बोट्स आई हुई हैं टूर के लिए. यहाँ पर आप बाय रोड भी आ सकते हो. बाय रोड आने के बाद आपको 15-20 मिनट की हाइक करनी पड़ती है, देन यू रीच टू दिस प्लेस. एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलरली, सो मे बी यू कैन डू योर रिसर्च अगर आपको उस रूट से आना है तो. बट बाय बोट यप इट इज़ प्रिटी गुड. इट ओनली टुक लाइक 15-20 मिनट्स टू कम हियर. जस्ट अ क्विक थिंग कि ये वाला बीच इतना ज़्यादा सिक्लूडेड है, ऑफ बीट है और मेन गोवा से काफ़ी दूर भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यू नो पीपल फाइंड अ वे टू डर्टी द प्लेस. लाइक एनी अदर टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया, बटरफ्लाई बीच पे भी काफ़ी ज़्यादा कचरा था. एंड ऑल आई कैन से इज़ कि सच पीपल हु डू सच थिंग्स दे डू नॉट इवन डिजर्व टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज. बटरफ्लाई बीच के बाद वी वेंट टू हनीमून बीच, लेकिन वहाँ पर बोट रुकी नहीं, जिस बाहर बाहर से इन्होंने चक्कर कटवाया. एंड once upon a time that was a very very lesser known beach and वहाँ पर ऐसे काफ़ी couples वगैरह आते रहते थे, तो इसलिए उसका नाम हनीमून बीच रख दिया. उसके बाद भी saw this tortoise rock, basically उसकी shape tortoise की जैसी है. now we are actually going back and on the way we are going to spot dolphins. we stopped in the middle of the ocean to spot the dolphins and we saw few. वैसे द बेस्ट टाइम टू स्पॉट द डॉल्फिन्स इज़ आइदर अर्ली मॉर्निंग और ड्यूरिंग द सनसेट एंड वी स्पॉटेड वेरी फ्यू डॉल्फिन्स फ्रॉम फार. एंड उसके बाद हम लोग वापस बीच पर पहुंच गए अप्रॉक्स एट 9:15 AM.
After doing the boat ride, we came to this Namaste Cafe, which is actually one of the best cafe here at Patnim Beach. And I ordered puri aloo for breakfast. Also, inke hana stay bhi hai under, like they have made the huts. Ab aate hain sabse important part, that how much we paid for this particular butterfly beach ride. So, agar aap ye boat ride lete ho Palolem Beach se, to they will ask you 1000 rupees per person sharing mein, and for private boat they will ask you like 5000 rupees. And usse just next like 10 minutes ki ride par hai Patnim Beach, jahan se maine ye ride li hai, to yahan se aapko charges padte hain 500 to 700 per person. We paid 500, but again 700 types bhi ho sakta hai. I would totally recommend you guys this, ki Patnim Beach se aake hi ye wali tum ride karo. Before we end the video, let me show you a very secret spot here, jo mujhe nahi lagta zyada kisi ko pata hoga. So behind me you can see there is a natural cave. Cave bhi nahi, matlab plants wagera se ye sab aisa cave type structure bana hua hai. So, बीच के बिल्कुल लेफ्ट एंड पे ये जगह आपको मिल जाएगी. यहाँ से मैंने ये नेचुरली ड्राइड फ्लावर्स भी इकट्ठे करे, ये मैं अपने घर जाके कहीं पर तो डेकोर करने वाली हूँ इससे. एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. तुम लोगों को पता है जब भी कोई हमारी वीडियो सक्सेसफुली कम्प्लीट होती है तो वी टैप. आई सी इन द नेक्स्ट वन. I'm really happy for you.